सो है एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो आउटलाइन के ऊपर लेके आऊँ कि कैसे मैं एक आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बिगनर्स को हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि एक परफेक्ट आउटलाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, और जो हमारे आउटलाइन का जो पार्ट होता है वो मस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारे स्केच के लिए, क्योंकि हम एक अच्छा आउटलाइन नहीं दे पाएंगे तो हम शेडिंग भी अच्छी नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि देखो, आप आउटलाइन ड्रॉ करते हो, जो आपके प्रोपोर्शन है, आइज़ के जो डिस्टेंस है, आइज़ आपकी जो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो एक आउटलाइन तो आप ड्रॉ कर पाओगे, बट जो आप शेडिंग करोगे तो शेडिंग में सारी मिस्टेक बाहर आ जाएगी, और जो आपकी जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट लगना चाहिए था वैसा नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं बताता भी हूँ और कहता भी हूँ कि आउटलाइन एक मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्केच के लिए, और आउटलाइन को हमें ड्रॉ करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए आउटलाइन की, कि एक हमारी अच्छे से पार्ट अच्छे से आउटलाइन में ड्रॉ हो सके और देन उसके बाद हम शेडिंग कर सके। क्योंकि बिगनर्स को हमेशा प्रॉब्लम रहती है आउटलाइन के ऊपर, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आउटलाइन के ऊपर, कि आप ऑब्जर्व कर सकें मेरी जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ उसको देख सकें कैसे मैं आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, और इजीली आप भी ड्रॉ कर पाओगे और जितनी भी आपकी जो शेडिंग है उसके बाद दे पाओगे, और जो आपका जो पोर्ट्रेट है वो रियलिस्टिक भी लगेगा। तो देरी न करते हुए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड से देखना, जो काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है आज की वीडियो में आपको। तो देरी न करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जो काफ़ी पतली होती है, इसकी जो लीड होती है काफ़ी पतली होती है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ आउटलाइन के लिए, ग्रिड के लिए यूज़ करता हूँ, और स्केल यूज़ करूँगा मैं ग्रिड को ड्रॉ करने के लिए, और मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा। अगर कहीं मुझसे गलती होती है तो मैं कहीं इरेजर यूज़ कर लूँगा, या तो नेडेबल इरेजर यूज़ कर लूँगा, या तो कोई भी इरेजर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं आपको रेफरेंस फ़ोटो दिखा देता हूँ। रेफरेंस फ़ोटो जो आज की है हमारी, रेफरेंस फ़ोटो हमारी रोहित भाई की है, जो अच्छे यूट्यूबर है हमारे, तो इनके आज मैं फ़ोटो ड्रॉ करने वाला हूँ, और काफ़ी जो फ़ोटो का भी अच्छी क्लियरिटी की है, तो मैंने सोचा ड्रॉ करनी चाहिए वाली फ़ोटो। तो ये फ़ोटो है, कैसे मैं ड्रॉ करूँगा, तो आज जो मेरा पहला पार्ट होगा वो आउटलाइन के ऊपर होगा, कि मैं आउटलाइन कैसे ड्रॉ करता हूँ ग्रिड मेथड की यूज़ करके, और इसके जो मैं नेक्स्ट पार्ट होगा वो शेडिंग के ऊपर ले आऊँगा। तो आज की वीडियो मेरी आउटलाइन के ऊपर है, तो ये रेफरेंस फ़ोटो मैंने आपको दिखा दी है, तो इसको रखते हैं हम साइड में यहाँ पे, और मैं आपको दिखाऊंगा। ग्रिड यूज़ करने के लिए आपको एक तो स्केल की, और कोई भी आपके पास वुडन पेंसिल है यूज़ कर सकते हो, और जो आपकी ग्रिड है परफेक्ट ग्रिड ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, तभी आपको जो पोर्ट्रेट है आउटलाइन परफेक्ट ड्रॉ कर पाओगे। तो मैं अभी बिल्कुल 2-2 सेंटीमीटर के ग्रिड को यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें जो लाइन लगा रहा हूँ, और उसके बाद मैं ग्रिड बनाऊँगा। मैं सारी ग्रिड जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ, और मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कितनी मैंने कितने सेंटीमीटर की ग्रिड ड्रॉ करी है, ये आपको मैं लास्ट में बताऊँगा। तो आप भी इजीली ग्रिड को ड्रॉ कर पाओगे, और देन उसके बाद आउटलाइन भी आप इजीली ही ड्रॉ कर पाओगे, तो बेफिक्र रहो। तो मेरी ग्रिड जो है कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी इस तरह की लग रही है ग्रिड, ज़्यादा इसमें मैंने कुछ करा नहीं, बस मैंने स्केल लेके ग्रिड को ड्रॉ किया है, और जो मेरे बॉक्स है वो 10 बॉक्स है, और जो 10 बॉक्स है 2-2 सेंटीमीटर के, 2 बॉक्स है हमारे, एक बॉक्स हमारे 2 सेंटीमीटर का है, ऊपर हमारे 10 बॉक्स है, और जो मेरे वर्टिकल में है वो हमारी 14 बॉक्स है 2-2 सेंटीमीटर के। तो ये मेरे 10 बॉक्स है 2-2 सेंटीमीटर के, और जो हमारे 14 बॉक्स है नीचे जो हमारे 14 है, तो एक 14 बॉक्स है ये हमारे 2-2 सेंटीमीटर के। तो आपको भी ऊपर 10 और नीचे 14 आपके अकॉर्डिंग जितना आप साइज में ड्रॉ कर रहे हो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो जी, इसका जो मेजरमेंट है वो मैंने बता दिया, A4 साइज़ के लिए है ये आपको मैंने बता दिया, तो आप भी इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ग्रिड ड्रॉ करने बाद आपको फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करना है अच्छे तरीके से, कि कहाँ पे आपकी जो आइज़ है, नोज़ है, और ईयर्स है, और कहाँ पे जो हेयर की डायरेक्शन मूव कर रही है वो आपको ऑब्ज़र्व करना है अच्छे तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ जूम करके, और आपको जो फ़ोन है आपका वो आपको साइड में रखना है बिल्कुल आपके बगल में, कि आप ईज़िली उसको देख पाए और अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाए चीज़ों को, और डेफिनेटली आप अच्छे आउटलाइन को बना सके। परफेक्ट आउटलाइन मैंने आपको बताई है, परफेक्ट आउटलाइन आपकी होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल मेज़र कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कहाँ पे हमारी जो आइज़ है वो आएगी, और उसको बिल्कुल मार्क कर दे रहा हूँ वहाँ पे। मार्क करने से ये रहेगा कि आपको पता लग जाएगा, कि आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ हमारी आइज़ ड्रॉ होगी। तो बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ड्रॉ करना है, और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है हर अपने वर्क पे। मैंने हर वीडियो में बताता भी हूँ आपको, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस रखोगे डेफ़िनेटली आपको जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेंगे अच्छे से। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो जल्दीबाजी में तो आपको पता ही है कि जो आपके रिज़ल्ट है वो भी नहीं मिल पाएंगे।
हेयर ड्रॉ करते समय आपको देखना है कि कहाँ पे आपके जो हेयर के स्ट्रोक्स हैं वो मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अभी मैं हेयर ड्रॉ करूँगा तो मैं हेयर के डायरेक्शन में मूव करूँगा, अभी रैंडमली आपको लगा देने हैं। इससे क्या रहेगा कि आपको आइडिया रहेगा, कि आइडिया रहने के बाद अब जब आप शेडिंग करोगे तो उस टाइम आपको ईजली ईजी हो जाएगा आपको हेयर ड्रॉ करने के लिए। तो मैं रैंडमली आपको बस एक बता रहा हूँ, आपको शो कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ स्ट्रोक्स लगाने हैं हेयर के, कौन से डायरेक्शन में हेयर के मूव कर रहे हैं, बस आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं हल्के मुल्के, कि बाद में आपको आइडिया रहे कि हाँ मैंने यहाँ पे हेयर ड्रॉ करना है। बाद में जब आप शेडिंग करोगे तो उसके बाद आप परफेक्ट ड्रॉ शेडिंग कर पाओगे, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ये चीज़ है, बस इतना मैंने हेयर्स को ड्रॉ कर लिया और मैं हेयर को बस उस डायरेक्शन में मूव करूँगा जहाँ मैंने ड्रॉ करना है। मैंने आपको बताया कि थोड़े स्ट्रोक्स लगा दो हल्के हल्के। मेरी आउटलाइन लगभग कंप्लीट हो चुकी है और बस मैं टी शर्ट में थोड़ा फोल्ड है तो मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर शेडिंग में उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो मेरा होगा शेडिंग के ऊपर होगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में शेडिंग के साथ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।